महंगाई का तूफान है, सियासी गहमा गहमी अपने रूज पर है, मियां साहब की आमद के चर्चे हैं, तैयारियां चल रही हैं, क्या होने जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, इसी पर बात करने के लिए सितम्बर हो गया है जी। बिल्कुल उनसा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग उनसा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा सबसे पहले तो मैं ये बड़ा ट्रिक, आपका नाम है जी सा शाह दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मुझे पहले कभी अगर फंबल हो जाए तो माजरत पहले से एडवांस में कबूल कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि भाई हम क्रिकेट के ऊपर कल बड़ी बातें कर रहे थे, आज भी हमारी शुरुआत क्रिकेट से हुई है। क्रिकेट के बड़े नाम हैं, हमारे बड़े फेवरेट हैं, बड़े चहीते कप्तान हैं सरफराज अहमद, उनके सितारों का तो जरा बताएं, क्या उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें नजर आ रही हैं या कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड और वो कौन से होते हैं, वो मनुस वाले कार्ड जो होते हैं, फाइव कप ऑफ टीज, पता नहीं वो क्या, वो पता नहीं कप्स का फाइव कप्स हैं, कप्स हैं, पता नहीं वो मनुस वाले कार्ड तो कार्ड भी याद हो गए। हाँ हाँ, मुझे वाकई है भाई, मुझे सात सितारों की सबसे शादियां होनी है, ये भी याद है और ये भी याद है। अच्छा, अब देखिए सरफराज जो है वो हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन है तो कार्ड भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वैसे जस्टिस का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब जो चीजें बैलेंस नहीं कर पाए, जो एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है तो उस पर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर जो है वो अब जो है ना बैलेंस करेंगे। टीम में नहीं थे जी सरफराज, अब बताइए टीम में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ उनके कार्ड फेवर में आ रहे हैं कि वो टीम में आ जाएंगे? टीम में आते हुए नजर आ रहे हैं, टेनो पेंटिकल्स का कार्ड है तो जो है वो टीम में आने के चांसेस तो हैं और यहाँ पर बैलेंस भी हो रहा है उनसे, हो सकता है कम्युनिकेशन हो दोबारा वापस जो है। मतलब आपको ये रिजर्व खिलाड़ियों में नजर आ रहे हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे, मैं जरा इजी कर देता हूँ ना आपके लिए, रिजर्व में नजर आ रहे हैं, प्लेइंग 11 में नहीं, क्या रिजर्व प्लेयर्स में ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे ऐसा पॉसिबल है कि बाबर को प्रेशर से आजाद किया जाए और कहा जाए कि भाई आप खुल के खेलें और कैप्टेंसी जो है वो सरफराज को मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है चमत्कार? हाँ ख्यालों में नहीं, कैप्टेंसी जो है वो तो मुझे मिलती हुई नजर नहीं आ रही, हेरोफिंट का कार्ड है तो फिलहाल बाबर आजम के पास ही नजर आ रही है, लेकिन उनसे शायद कोई मशवरा बातचीत कम्युनिकेशन जरूर होगी लेकिन कोई रिजल्ट आउटकम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे एक और लड़के हैं बड़े अच्छे अबरार, उनके कार्ड जरा निकालेगा, क्या वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनके चहमगोइयां सुन रहे हैं कि उनको भी अबरार तो आ रहे हैं, अबरार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वाइट बॉल में आ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, लेकिन कितनी फेवर में है ये वाइट बॉल गेम ये भी जरा बताइए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो है वो वाइट बॉल में कभी नहीं खेला, हमेशा कोका बोरा ही खेलते आए, यानी रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट खेली है। अच्छा सही, अब इतनी टेक्निकल क्रिकेट की बातें तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बता दें यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स चैरियट का कार्ड है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आएंगे या तो फिर कोई इतना ज्यादा खेल नहीं पाएंगे या रिजर्व में होंगे या कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है। चलिए अब आप ये बता दें कि जो पेट्रोल है जो कि अब 331 रुपए पर जा चुका है, ये रिवर्स कब होने जा रहा है या फिर कोई चांस नहीं आगे आने वाले दिनों में? नहीं, रिवर्स तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए तलवार का है, सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फूल का कार्ड है, तो ये आगे बढ़ेगा, मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कम नहीं होगा, पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। हाय हाय हाय, कोई अच्छी खबर नहीं मुझमें, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। अच्छा चलें, खैर ये रिवर्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आज आते हुए ऑफिस अपनी टंकी का कांटा देखा, रिजर्व हो गया है। हाँ, उसमें लाइट जल गई है, रिजर्व जरूर हो गया है। 331 रुपए के हिसाब से डलवा दीजिएगा। 38 पैसे क्यों भूल जाती हैं? 331 रुपए 38 पैसे। अच्छा हाँ, बस बस क्या करे उनसा, ये सितंबर हुआ हुआ इस वक्त सितंबर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जरा होरोस्कोप की तरफ आ जाए, लोगों के सितारे क्या बता रहे हैं, किसकी शादी हो रही है, किसकी तलाक हो रही है, कौन किधर जा रहा है? एरीज से शुरू करते हैं और एरीज वाले आने वाले हफ्ते में यहाँ पर खुशी मिलती हुई नजर आ रही है, फैमिली से कोई खुशी मिल सकती है, शादी के चांसेस हो सकते हैं, कोई एंगेजमेंट हो गई, बात पक्की हो गई, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, पैसा सोच समझ के खर्च करें, पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है एरीज वालों के, यानी कि जो भी इनकम होगी वो खर्च हो जाएगा, पैसा एक जगह टिक नहीं रहा है एरीज वालों का, दोस्तों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, टॉरस वाले भी ट्रैवल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं,
सेहत का ख्याल रखें, सेहत अगर आपकी अच्छी नहीं थी तो अब जो है बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन सेहत का आपने ख्याल करना है। और लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही हैं। जेमिनाय वाले जो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, किसी के साथ मोहब्बत प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, शादी की सिचुएशन बन सकती है। जेमिनाय वाले सोच समझ के जो है पैसा स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जेमिनाय वालों का, जेमिनाय वालों के। कैंसेरियंस वालों के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स हो सकती हैं, जो है वो ट्रैवलिंग हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है कैंसेरियंस का। लियो वाले बहुत सारे लोगों से मुलाकात का जहां आपने तस्करा किया, तो पुंडी भी तो हो सकती है ना, हो सकता है मॉल वॉल निकल जाए वो। हाँ वो भी सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन को ना बढ़ाए, ये यहाँ तक भी उनकी जिंदगी तमाम बात कर रही हूँ मैं, और दोस्तों के साथ मुलाकातें। वैसे ये वर्ड किसने याद किया था, ये मेरे जहन में सवाल आ रहा है, ये लॉर्ड की याद है। लियो वाले जो है उनके साथ कोई मतलब कुछ डिफरेंट कोई चेंज आने वाला है, जॉब का चेंज, जॉब स्विच कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी के चांसेस हैं। तो लियो वालों की जो है कुछ डिफरेंट उनकी कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कंसीव कर सकती हैं खवातीन। वर्गो वाले जो हैं वो उनके कामों में डिले आ सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस में या पैसों में, सैलरी में डिले हो सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे पास। तो अगर कोई रुकावट आती है, आप परेशानी में फंसते हैं, शादीशुदा लाइफ अगर अच्छी नहीं गुजर रही, तो आपने गिव अप नहीं करना है। और लिब्रा वाले थोड़ा सा इनसिक्योर होंगे, किसी चीज में स्टक हो सकते हैं, पेमेंट स्टक हो सकती है, रिलेशनशिप में स्टक हो सकते हैं, और फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योरिटीज हैं कि पैसा खत्म ना हो जाए या आगे जाके फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं लिब्रा वालों के माइंड में। स्कॉर्पियंस जो हैं वो अगर उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और तो उनको फेवर मिल सकती है, और जजमेंट का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज स्कॉर्पियंस को बहुत हैं, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई पुरानी चीज वापस आ सकती है, कोई पुराना रिलेशनशिप दोबारा बन सकता है, कोई पुरानी जॉब कहीं करते थे वहां से दोबारा ऑफर आ सकती है। ट्रैवल कब कर रहे हैं ये भी बता दें। मैं ट्रैवल नहीं, पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है, ये नुकसान दे है, अगर उनकी शादी हो गई होगी तो फिर पुराने दोस्तों से मुलाकात अच्छी बात नहीं। सजिटेरियस वालों के भी कामों में वक्ती रुकावटें होंगी, जैसे सफर करना चाहते हैं तो रुकावट आ सकती है, या हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या कारोबार में थोड़े डिलेज हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती डिलेज हैं। कैप्रिकॉन वाले जो हैं चैलेंजेस रहेंगे आने वाले हफ्ते में, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज अचीव करनी है, सैलरी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल से ही उनको हासिल होगा, कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, ये कर लूं वो कर लूं, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्या करें, लड़ जाए, भिड़ जाए, मतलब बेचारे और क्या करें, मतलब भाई कोशिश ही हो सकती है, कोशिश करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता, सबर करें। एक्वेरियस वालों की शादी नजर आ रही है, पसंद की शादी, लव मैरिज के चांसेस हैं, किसी से इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।